अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नादिया कैसर। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स विद द नेम ऑफ ब्यूटी स्टार एंटरप्राइजेस। आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो डूइंग लिटिल मोर जॉब्स लाइक सोशल इन सोशल वर्क। वी आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ अलनिसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। We are working for orphanages, for the poor people, for education sector, and many more. Let me apprise how I step into this business. Actually, this is our family business, and our family is running this business successfully since ages. जब मैंने घर पे बात की कि I want to join this business, तो मेरी family ने मुझे wholeheartedly support किया। और कारोबार में शमूलियत के बाद मैंने सियालकोट चैम्बर को ज्वाइन किया। और सियालकोट चैम्बर जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सियालकोट चैम्बर का एक अपना नाम है और एक अपनी शिनाख्त। मैं सियालकोट चैम्बर में मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं और ख़वातीन के हवाले से सियालकोट चैम्बर में एक कमेटी है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर कमेटी, उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। आजकल मैं उस कमेटी को हेड कर रही हूँ। उसके अलावा सियालकोट चैम्बर का एक और विंग है वुमेन रिसोर्स सेंटर, उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। सियालकोट चैम्बर के बाद सियालकोट के लोगों का एक और कारनामा वुमेन चैम्बर। हाल ही में वुमेन चैम्बर वजूद में आया और आई एम वेरी मच प्राउड दैट आई एम द फाउंडर मेम्बर ऑफ दैट चैम्बर। वुमेन चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं हिस्सा हूँ और ये चैम्बर भी इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में सियालकोट चैम्बर की तरह ही अपना एक नाम पैदा करेगा। वुमेन चैम्बर सियालकोट चैम्बर का ही लगाया गया एक पौधा है जिसकी नशोनुमा मैंने, आपने और हम सब ने मिलकर करनी है। इस वक्त मैं देखने वाली अपनी तमाम ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी किस्म का कोई बिज़नेस कर रही हैं तो आप प्लीज़ वुमेन चैम्बर को ज्वाइन करें। और अगर आप नहीं कर रही और आपका कुछ करने का इरादा है, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो आप किसी किस्म का कारोबार अपना जो है वो स्टार्ट करें। और कारोबार के आइडिया के लिए, स्टार्टअप के लिए, एनटीएन नंबर के लिए, किसी भी किस्म का कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए, तो वी आर ऑलवेज देयर। सियालकोट चैम्बर और वुमेन चैम्बर हमा वक्त ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए तगोदो कर रहा है। और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि हमारे पास आती हैं जिनको एनटीएन नंबर का या डिफरेंट तरीके से कोई ना कोई मतलब असिस्टेंस चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर अपनी जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। अभी हाल ही में मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सियालकोट जो कि एक बिज़नेस हब है, एक्सपोर्ट के हवाले से तो इसका एक नाम है ही है, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले हमें ये मालूम हुआ कि सियालकोट से बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकती, बाहर निकल के ऑफिस में जॉब्स या काम नहीं कर सकती, तो उन्होंने घर पे ही छोटे छोटे सेटअप्स लगाए हैं और वो कुकिंग, बेकिंग, फिर इसके अलावा अभी पिछले दिनों एक मेरी खातून से मुलाकात हुई एंड शी वाज डूइंग हनी बिजनेस एंड वेरी सक्सेसफुली शी वाज डूइंग दैट बिजनेस, कि वो हनी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज से मंगवा रही हैं और उसको यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है और फिर उसको ना सिर्फ पंजाब सियालकोट बल्कि ऑल ओवर द कंट्री, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उसको एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा, एक बड़ा डिफरेंट यूनिक आइडिया लगा, क्योंकि जब सियालकोट का नाम आता है, सियालकोट की इंडस्ट्री का नाम आता है, तो नॉर्मली हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स गुड्स की, लेदर वेयर्स की बात करते हैं, बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बेकिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि बेकिंग का काम करी हैं। तो आप जो भी मेरे सुनने वाले हैं, अगर आप इस किस्म का कोई काम कोई अपने घरों पर कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू कम टू द सियालकोट चैम्बर। वी विल असिस्ट यू, वी विल फैसिलिटेट यू आपके कंपनी को रजिस्टर, क्योंकि देखिए अगर आप अपना घर बैठ के काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है तो वो किसी को पता नहीं है। जब आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बनते हैं, तो फिर लोगों को भी उसके बारे में मालूम होती है और आपका बिजनेस इससे इन्हेंस होता है। इसके अलावा सियालकोट चैम्बर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं लेडीज़ को, दोज हु आर डूइंग एक्सपोर्ट बिजनेस। वी आर फैसिलिटेटिंग दैम इन दिस वे दैट वी आर अरेंजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेमिनार। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सियालकोट वालों ने क्या नहीं किया, हम लोगों ने अपना एयरपोर्ट बना लिया, अपनी एयरलाइन बना ली, ड्राई पोर्ट हमारा अपना है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सियालकोट का, उसमें भी सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है।
हम लोगों ने अपनी सड़कें भी खुद बनानी शुरू कर दी, लेकिन मेरी इस फोरम से हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि हम जितना मर्जी खुद कर लें, जब तक गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी और सियालकोट के वासियों के साथ हेल्प नहीं करेगी, तो ये सड़कें तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आजकल अगर देखा जाए तो सियालकोट की ट्रैफिक एक अजीबो गरीब किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी सड़कों का जो सेटअप है वो इंतहाई ख़राब है। कुछ ओवरहेड ब्रिजेस हमें चाहिए, कुछ हमें लाहौर टाइप का सेटअप चाहिए कि जो हमारे सियालकोट में हो, जहाँ हमारी आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, हमारी सड़कों से रश कम हो, ये क्राउड कम हो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। मेरी इस बात से आप सब लोग ज़रूर आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और मेरी इस फोरम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि प्लीज़ सियालकोट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बहुत प्रॉपर और बहुत कॉम्पैक्ट किस्म का लाया अमल प्लीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करें। ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कारोबार करना ज़ाहिर है, मतलब सियालकोट में ज़्यादातर यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे ज़्यादातर मर्द हज़रात आपको कारोबार में नज़र आएंगे, तो यहाँ पे कारोबार करना दिस इज़ नॉट द बेड ऑफ रोज़ेस। आपको हर्डल्स भी आती हैं, आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपको परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन देखिए इन सब से वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब आप किसी चीज़ का इरादा ठान लेते हैं, जिस किसी चीज़ को आप करने की ठान लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि नामुमकिन हो। तड़प दिखानी पड़ती है तभी तो जमजम मिलता है। तो अगर आप बड़े हार्ट उससे क्या कह रहे जी पैशन से किसी भी काम में आते हैं और तड़प से कोई काम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी ज़रूर देता है। और अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो मेरा भी इस तरह नहीं था कि मैं आई उस वो आई उसने देखा और फतह कर लिया, ऐसा कतई ही नहीं है। कारोबार में हर्डल्स प्रॉब्लम्स परेशानियां ज़रूर होती हैं, हमें भी होती हैं, और अब तो जिस हिसाब से हालात चल पड़े हैं कारोबार के, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन के, बहुत ज़्यादा सब्सिडी के, और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आए दिन हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब आप जैसे जैसे आप एक इरादे से एक जुरत से आप काम करते हैं तो अल्लाह ताला साथ साथ आपको आसानियां भी देता जाता है। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी कारोबार को करें और आपको स्टार्टिंग में मतलब फ़ायदा ना हो, आपको सक्सेस ना मिले, आपको नाकामी का सामना करना पड़े, तो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है। इस चीज़ के लिए आपने फिर अपने आप को स्टेप बैक नहीं करना, आपने एक जुर्रत बहादुरी से और कंसिस्टेंसी से अपने काम को करना है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सियालकोट जो कि इकबाल का शहर है, इकबाल के शाहीनों का शहर है, तो इस चीज़ के लिए मैं अलामा इकबाल की चंद लाइन्स आपके साथ शेयर करूँगी कि तू बचा बचा के ना रख इसे तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के ना रख इसे तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज पर है निगाह आईना साज में। तो टूटा हुआ दिल तो अल्लाह ताला को पसंद है, तो लिहाजा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, आगे आएँ और अपने कारोबार को बूस्ट करें, क्योंकि देखिए सियालकोट एक इंडस्ट्रियल हब है, ये है ही एक कारोबारी जगह ना, तो यहाँ पे आगे सियालकोट में रह के अगर हम जॉब्स वगैरह करें तो ये कोई बात बनती नहीं है। तो लिहाजा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने कारोबार के लिए अगर आपको किसी किस्म की फैसिलिटेशन की, किसी किस्म की कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो हमारा इदारा सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमा वक्त आपके साथ है। इसके अलावा हमारा वुमेन चैम्बर है, वुमेन चैम्बर में आपको यहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटेशन दी जाएगी अपने कारोबार को इन्हेंस करने के लिए। तो अपनी बात का इख्तिताम अब मैं करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट।